हे गाइस, दिस इज अमेश शुक्ला एंड यू वाचिंग एजुकेशन सारे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 GFTI कॉलेज बताने वाला हूं, जहां पे अगर जेई में 2024 में आपकी रैंक लो आ रही है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर जेई मेन में आपकी CRL रैंक 50,000 से लेके 5,00,000 के बीच आ रही है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो टॉप 10 कॉलेज मैं आपको बता रहा हूं वो इस रैंक रेंज में सबसे बेस्ट कॉलेज हैं, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं जोसा NCERTBI काउंसलिंग के थ्रू। कुछ GFTI खुद की काउंसलिंग भी कंडक्ट करते हैं, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जो बच्चे चैनल पे न्यू है वो जरूर हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे अगर आप एक भी वीडियो मिस करोगे तो उसका खामियाजा आपको काउंसलिंग में भुगतना पड़ सकता है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। पहला कॉलेज है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। 2023 में NIRF 101 से 150 के बीच है, लेकिन NIRF से कॉलेज जज मत करना, क्योंकि इस कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है। अगर फीस की बात करते हैं तो पर सेमेस्टर यहां पे 1,51,000 आपको पे करना होगा। एडमिशन यहां पे जोसा NCERTBI के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज इनका 83 लाख का है, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच से गया था। मीडियम पैकेज 12,00,000 का है। एवरेज पैकेज 16,51,000 का है। एंड अगर लोएस्ट ब्रांच की बात करते हैं तो यहाँ पे मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन है। तो मेटलर्जी का अगर आप एवरेज पैकेज देखो तो 11,50,000 का और प्रोडक्शन का 11,00,000 का। तो इतने शानदार प्लेसमेंट फिगर आपको टॉप NIT के ही देखने को मिलेंगे। यानी अगर इस कॉलेज में आप पहुंच जाते हो तो 8 से 11,00,000 के बीच का जो पैकेज है वो आपका कहीं नहीं गया है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पे मैं आपको जर्नल EWS OBC के कट ऑफ बता रहा हूं। सारे के सारे कट ऑफ CRL रैंक में लिखे हुए हैं। तो अगर बात करें प्रोडक्शन की तो जर्नल के लिए यहां पे 61,539 पे क्लोज हुआ था। मेटलर्जी EWS के लिए 88,890 पे। एंड सिविल की बात करें तो यहां पे जर्नल का 74,000 के करीब कट ऑफ किया था। यानी अगर आप जर्नल EWS या OBC से हैं और आपकी JEE मेन में रैंक 80-90,000 के अंदर है तो आप इस कॉलेज को जरूर टारगेट करिएगा। यहां पे OBC का कोई रिजर्वेशन नहीं है। नंबर 2 पे है BIT मिश्रा रांची। 2023 में NIRF 53 थी। टोटल हॉस्टल प्लस इंस्टीट्यूट फीस 1,86,500 है। यहां पे जो फी मैं बता रहा हूं पूरे वीडियो के दौरान, वो आपको जो पर सेमेस्टर फी पे करनी है वो बता रहा हूं। कॉशन मनी एंड वन टाइम फी वगैरह वो इंक्लूड नहीं किया गया है सभी कॉलेज के लिए। एडमिशन प्रोसेस जोसा NCERTBI के थ्रू है। हाईएस्ट पैकेज 51 लाख का है। मीडियम पैकेज 10,00,000 का। एंड एवरेज पैकेज 11,57,000 का है। इस कॉलेज की प्लेसमेंट भी NIT के ही सिमिलर है। कट ऑफ की बात करते हैं तो लोएस्ट ब्रांच यहां पे सिविल बायोटेक फूड टेक एंड प्रोडक्शन है। फूड टेक यहां पे OBC के लिए 1,33,147 पे क्लोज हुआ था। ये लोएस्ट ब्रांच है जिसका हाईएस्ट कट ऑफ जाता है। एंड बायोटेक की बात करते हैं तो जर्नल के लिए 91,614 पे। प्रोडक्शन 91,240 पे क्लोज हुआ था। यानी जर्नल EWS OBC से हैं जेई मेन 2024 में अगर आपकी रैंक 1,40,000 के अंदर है CRL में तो आपको BIT मिश्रा CSAB काउंसलिंग तक अगर जाएंगे आप तो एडमिशन मिल जाएगा। नंबर 3 पे है IIIT भुवनेश्वर। ये कॉलेज खुद की काउंसलिंग भी कंडक्ट करता है, जिससे 50% सीट फिलअप करता है। एंड जोसा NCERTBI से 50% सीट भरती है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज 39 लाख का है। एवरेज पैकेज 10,80,000 का। एंड लोएस्ट ब्रांच यहां पे जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जिसका एवरेज पैकेज 8,00,000 का है। कट ऑफ की बात करते हैं तो जर्नल के लिए IIIE जो है वो 62,782 पे क्लोज हुआ। OBC के लिए 76,147 पे क्लोज हुआ। यानी जर्नल EWS OBC से हैं तो आप इस कॉलेज में अगर 80,000 के अंदर CRL है तो आप टारगेट कर
सकते हैं, आपके चांस यहाँ पे बनेंगे। एंड अगर आप उड़ीसा से हैं तो आप इस कॉलेज की सेल्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, वहाँ पे आपको 1,00,000 रैंक तक में भी ट्रिपल ई जो ब्रांच है वो मिल सकती है। नंबर 4 पे है BIT पटना, इस कॉलेज की जो फी है वो 1,84,500 पर सेमेस्टर है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाइएस्ट इसका 44,14,000 रुपये है एंड एवरेज पैकेज 11,74,000 का है। BIT मेथरा के बाद पटना भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करो तो CSIT में यहाँ पे 100% प्लेसमेंट हुई। लोएस्ट ब्रांच यहाँ पे मैकेनिकल एंड सिविल है, तो मैकेनिकल में 44 एंड सिविल में 28% है। और अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जो EC है जो कि एक सेफ ब्रांच है वो आपको जर्नल के लिए 1,11,228 पे, OBC के लिए 1,44,904 यानी लगभग 1,45,000। तो जर्नल EWS OBC से हैं 1,60,000 के करीब रैंक है या 1,50,000 के करीब रैंक है CRL में, तो आप यहां पे एडमिशन का जरूर ट्राई करिएगा। नंबर 5 पे है NIMT रांची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी रांची। प्लेसमेंट की बात करें तो इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 14 लाख का है, मीडियम पैकेज 8,80,000 का एंड जो एवरेज पैकेज है वो 9,25,000 का है। तो हाईएस्ट जो है वो सिर्फ 14 लाख है, लेकिन मीडियम और एवरेज देखो तो ये आपको एक बढ़िया NIT के बराबर लेवल का मिलता है। और इस कॉलेज में जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है वो लास्ट ईयर ही ऐड की गई है, तो ये जो आप प्लेसमेंट देख रहे हो ना ये मैकेनिकल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी ब्रांचेस के अंदर है। तो कॉलेज बहुत टॉप क्लास है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। एलिजिबल वर्सेज प्लेस्ड की बात करें तो 120 एलिजिबल थे, 114 प्लेस हो गए थे। अगर आप वैल्यू फॉर मनी कॉलेज सर्च कर लो लो रैंक पे तो आप इस कॉलेज को जरूर से जरूर टारगेट करना। जो फी है वो 89,450 पर सेमेस्टर है। कट ऑफ की बात करते हैं तो मेटलर्जी एंड प्रोडक्शन लोएस्ट है, प्रोडक्शन का जर्नल के लिए 1,70,000 के करीब, EWS का 2,15,000 के करीब एंड OBC का 2,11,000 के करीब क्लोज हुआ था। यानी अगर 2,50,000 के अंदर रैंक है तो आप CSEB तक जरूर वेट करना, और इस कॉलेज में अगर प्रोडक्शन या मेटलर्जी भी मिल जाता है ना तो एडमिशन ले लेना, क्योंकि ये बहुत सेफ कॉलेज है प्लेसमेंट के हिसाब से। नंबर 6 पे है स्लाइट लोंगोवाल पंजाब, NIRF 2023 में 151 से 200 के बीच है। इंस्टीट्यूट प्लस हॉस्टल फी 38,000 पर सेमेस्टर प्लस मिस फी है। कॉलेज वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि कम लग रही है और कट ऑफ भी लो जाती है। लगभग आप देखो तो यहां पे 6 से 7 लाख रैंक पे 2023 में जर्नल EWS OBC वाले बच्चों का एडमिशन हो गया था, और अगर 2024 में आपकी JEE में CRL 4-5 लाख भी है तो आप इस कॉलेज में सिक्योर हो। अगर आप CSEB तक जाते हो तो आपका एडमिशन मिल सकता है। लोएस्ट ब्रांच यहां पे फूड टेक है। और प्लेसमेंट की बात करते हैं तो टोटल 48 कंपनियां 2023 में विजिट की थी एंड हाईएस्ट पैकेज ऑन कैंपस 18 लाख का है एंड एवरेज पैकेज भी जिस रैंक में एडमिशन हो रहा है उसके हिसाब से ठीक है, 4.3 LPA। नंबर 7 पे है IIT RM अहमदाबाद, हॉस्टल प्लस इंस्टीट्यूट फीस 1,13,400 है। इस कॉलेज में 50% सीट जोसा एंड CSEB से एंड 50% जो स्टेट काउंसलिंग है गुजरात की ACPC उसके थ्रू फिलअप किया जाता है। कॉलेज में टोटल 4 ब्रांच हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल, सिविल लोएस्ट ब्रांच है। अगर आप यहाँ पे सिविल भी ले लेते हो ना, सिविल का कट ऑफ देखो तो लगभग जर्नल के लिए 2,00,000 के करीब, EWS और OBC के लिए तो बहुत ऊपर चला गया है, EWS के लिए लगभग 2,50,000 के करीब जाता है, तो 2,50,000-3,00,000 रैंक तक यहाँ सिविल मिल जाता है नॉर्मली। यहाँ पे लास्ट ईयर जो बच्चे का लक है वो काम किया ओबीसी वाले का, लेकिन 2,50,000 तक आप सेफ हो। नंबर 8 पे है PEC पौंडीचेरी, और इस कॉलेज की जो हॉस्टल प्लस इंस्टीट्यूट फीस है वो 1,03,401 रुपए है, और यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो जोसा एंड CSEB से और CENTAC जो स्टेट काउंसलिंग है उसके थ्रू भी एडमिशन कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो ठीक ठाक होती है। 2022 का डेटा हमारे पास मौजूद था जिसमें 535 ऑफर रिसीव हुए थे, 92 कंपनियां विजिट की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एवरेज 5.7 LPA का एंड जो हाईएस्ट है वो 12,00,000 का है। कॉलेज में 5 से 6,00,000 तक का पैकेज जो है वो नॉर्मली बच्चों को मिल जाता है। कट ऑफ की बात करें तो लोएस्ट ब्रांच यहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स है एंड सिविल वगैरह भी कट ऑफ लो रहता है। तो यहाँ पे सिविल की बात करें तो जर्नल के लिए 3,08,414 पे क्लोज हुआ था एंड ओबीसी के लिए तो बहुत ऊपर चला गया था कट ऑफ, एंड मैकेनिकल की बात करते हैं तो 2,10,450 पे क्लोज हुआ था। नंबर 9 पे है तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, यहाँ पे 40% सीट जोसा एंड CSEB से एंड 60% कॉलेज खुद की सेल्फ काउंसलिंग से फिल करता है।
प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 13 लाख का है, मीडियम पैकेज 4,25,000 का एंड 51% प्लेसमेंट हुई थी। प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा डाउन है और यहाँ पे जो लोएस्ट ब्रांच है वो फूड टेक है। अगर जनरल का कट ऑफ देखो तो 2,54,983 लगभग 2,55,000 पे जनरल वाले बच्चों को मिल गया था। ओबीसी के लिए 2,58,000 के करीब गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 4,32,457 गया था। मैकेनिकल की बात करते तो ओबीसी के लिए 2,21,779 पे क्लोज हुआ था। तो इन टोटल ये मानिए कि लगभग 3 लाख रैंक तक तेजपुर यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है। तो 3 लाख रेंज पे जो रैंक है उस पे बहुत सारे कॉलेज ऑप्शन में है। नंबर 10 पे है बीआईटी देवघर। इस कॉलेज को नंबर 10 पे रखने का रीजन ये है कि कॉलेज एक्सपेंसिव है और उसके हिसाब से प्लेसमेंट डाउन है। और अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल लोएस्ट है, उसका कट ऑफ आप देख सकते हैं लगभग 7,17,000 पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 2,05,000 एंड ओबीसी के लिए वही 9,42,000। जेई मेन लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई थी, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन इस साल लगभग 4-5 लाख रैंक वाले बच्चे सेफ हैं। अगर जेई मेन में आपकी रैंक 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच आ रही है तो बीआईटी देवघर, तेजपुर यूनिवर्सिटी, पीईसी पौंडीचेरी, आईआईटीआरएम अहमदाबाद, स्लाइट लोंगोवाल, ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। 2.5 लाख के अंदर रैंक है तो फिर आप NIEMT रांची, BIT पटना, इन सब की तरफ देख सकते हो। तो आप एकदम कैटेगराइज कर सकते हो कॉलेजेस को, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। और अगर जेई मेन में रैंक कम है, एक बढ़िया कॉलेज चाहिए आपको, तो आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम की हेल्प ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हुए हैं, वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज है जहां पे आप आखिरी स्टूडेंट हो सकते हो वहां तक पहुंचा सकते हैं। बेस्ट काउंसलिंग का जो पूरा तरीका है वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिनकी रैंक लो है उनके साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरे अपडेट के साथ, दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे, जय हिंद।